तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। द पीकेएल बॉय की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और मैं आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि इसका पहले भी रिव्यू हो चुका है। तो अब फिर से भाई एसक्रॉस सिग्मा वेरिएंट की बात कर लेते हैं। इन्होंने इसमें क्या क्या काम करवाया है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब 1.5 साल चल चुकी है भाई और गाड़ी जो ड्रिवन हुई है वो 8,000 किलोमीटर हुई है अभी तक। मतलब कि एक नॉर्मल यूसेज के हिसाब से काफ़ी कम चली हुई गाड़ी है। और इसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए हैं आज आपको सारी इस वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। बाइक शुरुआत करते हैं की से, की कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। दो कीज आती हैं बिल्कुल ही जो मतलब गाड़ी के साथ आती है की, तो वैसी ओरिजिनल पूरी की है। मतलब इनकी अगर आप छोटी गाड़ी की बात करोगे मतलब आल्टो वगैरह से, तो उनसे अंत तक जितने भी गाड़ियाँ उसमें ही मिलेगी। नेक्सा की जो कीज़ है वो कुछ अलग है, डिफरेंट, बट इसकी कुछ कुछ ऐसे देखने को मिलती है। इसमें आपको सेंटर लॉकिंग ऑन ऑफ का मिलता है, सेंटर लॉकिंग ऑन और ऑफ के फीचर मिलते हैं। तो अब करते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट। तो यार ये रही भाई एसक्रॉस को दिखने में कुछ ऐसे लगती है आपको। और इसमें जो मॉडिफिकेशन की आप दिख रही होगी आपको साइड से, तो इसमें आपको साइड्स में अलॉयज वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो हमें 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। एलॉय वगैरह जो मॉडिफिकेशन है वो आपको बाहर से लगेगी सारी की सारी। और जिसमें आप कलर देख रहे हो भाई, ये कलर भी बहुत अच्छा इस पर सूट कर रहा है। और जो स्टार्टिंग में आपको इसमें अगर देखने को मिल जाए फोग लैंप है भाई, हमारे इस तरह के प्रोजेक्टर भाई ने बाहर से मॉडिफिकेशन करती है। और आपको बेस से इस गाड़ी में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलते हैं जो आपका लो बीम में रहेगा और हाई बीम में आपको हेलोजन रहेगा। और आगे से जो इसकी आप ये देखते हो ग्रिल, वो पूरी BMW से इंस्पायर होती है। देखोगे इस गाड़ी को तो आप कहीं से भी एक बार आप तो देखने में बेस मॉडल लगता है यार ये, क्योंकि बेस ये सिर्फ कहाँ से लगते हैं आपको, सिर्फ यहाँ से फेंडर से, क्योंकि यहाँ पे इसकी सिर्फ इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी हुई है और बाकी तो इसका ऑल ओवर सब ठीक है भाई। अगर आप पीछे से देखो यार गाड़ी एकदम बढ़िया लगती है। और यार पीछे और बेस में ही आपको भाई इसमें चारों के चार में पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं, तो ये आपको बेस से ही आपको सारे फीचर और चारों पावर विंडो आपको देखने को मिलती है इस गाड़ी के अंदर। अगर भाई टायर्स की बात कर लेते हैं, जो कंपनी देती है आपको वो 16 इंच के टायर देती है, बट इसमें 17 इंच का में टायर लगा हुआ है और बाहर से इसमें एलॉय वगैरह लगे हुए हैं। और चारों के चार इसमें आपको डिस्क ब्रेक विद ABS के साथ मिलती है। अगर आप दिखाता हूँ भाई, ये देखिए, और इस साइड भी देखिए, तो आपको क्लियर ऑफ कर दिया भाई इसके अंदर, ये चीज़ आपको बेस से ही देखने को मिलती है। चलो भाई गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं। गाड़ी के अंदर घुसते ही आपको भाई इस तरीके से कुछ हमें स्टेयरिंग देखने को मिलता है इसमें, जो कि इसमें आता है भाई सिंपल नॉर्मल स्टेयरिंग है। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इसमें आपको लेफ्ट में तो हमें मिलता है RPM मीटर और राइट में मिलता है हमें स्पीडोमीटर। और इस तरीके से हमें जो इसकी रेंज वगैरह और जो आप कंट्रोल वगैरह देखोगे ना स्टेयरिंग पे, वो आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे आपको जो भी इससे चेंजेस करने हैं इसमें, जो एवरेज वगैरह स्पीडोमीटर वगैरह देखनी है, वो आप इस नोब के थ्रू इसे चेंज कर सकते हो। अगर डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं तो इसमें भाई मारुति के वही पुराने वाले नोब्स, AC के नोब्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये अपना AC का हो गया है, ये अपने वेंट्स के कंट्रोल आ गए हैं। और इसमें बाहर से लगा हुआ इसमें पाइनोर का सिस्टम, मतलब बंदे ने इसमें कंपनी से ही लगवाया था बट ये एक्सटर्नल लगा, क्योंकि साथ में इसके साथ जो अपना इंस्ट्रूमेंट ये अपना स्टीरियो वगैरह वो नहीं आता साथ में। अगर भाई इसके डोर्स की बात कर लेते हैं तो भाई ये 80 डिग्री के करीब खुलता है भाई, आप इसको यहाँ से देखते हो। अब इसको अंदर तक चल के दिखाते हैं आपको इस तरीके से। जो पीछे का जो बैक साइड है सीट्स वगैरह वो ऐसे कुछ देखने को मिलती है, और स्पेस वगैरह कुछ इस तरीके से रहेगा अंदर का। और आपको भाई आराम से इसमें 6'4" का बंदा भाई आराम से इस तरह के हाइट का बंदा आराम से बैठ जाएगा इसमें। और आपको जो रूफ लाइट है भाई एक ही देखने को मिलती है, वो फ्रंट की तरफ मिल जाती। तो भाई गाड़ी के मैंने आप सारी मॉडिफिकेशन वगैरह बता दी आपको। अब भाई से पूछ लेते हैं। भाई आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो शिवम। थैंक यू भाई, लोकली रहते हैं पंचकुला के अंदर, तो भाई से जान लेते हैं भाई कौन सा मॉडल है गाड़ी का, पहले तो वो बताइए आप। गाड़ी का ये 2021 का मॉडल है। हाँ जी, हमारा सितंबर में हमने गाड़ी ली थी बेसिकली, गाड़ी को करीब 1.5 साल हो गया हमारे लिए। और आपने कितने ड्राइविंग कर दी आपने गाड़ी? 8,000 किलोमीटर ग्राउंड गाड़ी चला दी है। 8,000 के अंदर आप कहाँ लेके गए अभी तक इसको? दो बारी इसको, एक बारी पटियाला लेकर गए थे, वहाँ से प्लेन रोड था हाईवे का, एंड दो बारी गई है गाड़ी ये वहाँ पे हिल्स पे, मोरने हिल्स पे। यार मारुति वगैरह से पेट्रोल इंजन तो बनाती नहीं है, तो मतलब आपके इसके पेट्रोल इंजन के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मतलब डीजल वगैरह में तो आती नहीं है गाड़ी है। डीजल पहले मैंने गाड़ी चलाई नहीं है ज़्यादातर ना, मेरे पास पहले भी गाड़ी पेट्रोल थी, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं कि डीजल मैंने गाड़ी चलाई हो।
और माइलेज वगैरह क्या दे रही है आपको अभी ये गाड़ी? हाईवे पर तो देती है, मैंने 18-19 की निकाली थी, 70-80 की स्पीड के आसपास, 18-19 की, और सिटी में ये 12-13-14 के आसपास देती है। यार मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी आपको लग नहीं रही यार कहीं से बेस मॉडल, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें जो मॉडिफिकेशन है जो दिख रही है वो तो आप तक तो टायर साइज से लिखती है भाई, जो इसका टायर वगैरह है उससे मॉडिफिकेशन दिख रही है। बाकी यार अब करा ही रहे थे यार, थोड़ा इंडिकेटर वगैरह क्यों उठाने की सोचा आपने? तो अगर आप इंडिकेटर्स को हटाते तो आपको फेंटर पूरा चेंज कराना पड़ेगा ये वाला। अगर आप फ्यूचर में आप ये कराओ यार, जैसे मान लो कि इंडिकेटर जैसे आते नहीं है वो दूसरे वाले मिरर आते हैं अनफोल्ड फोल्ड वाले, अगर आप वो कराओ तब भी आपकी गाड़ी बहुत अच्छी, क्योंकि अब तो इसका मार्केट में आप अगर दिल्ली वगैरह जाओ आपको तो उसमें सारा अवेलेबल है इसका सामान। दिल्ली में मुझे जाके करवाना खर्चा करना मुझे कोई ऐसा कोई वर्थ नहीं यार, ये तो है कि यार वहां से 1.5 लाख रुपए लगा रहे हो तो समझ में भी आता है। हाँ, अगर मैं 15-20 के चक्कर में जाऊंगा तो मेरा तो, क्योंकि आपने जो आपने जो सिग्मा वेरिएंट लिया आपको पता है कि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तभी आपने लगाया कि मैं इसको टॉप जैसा बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट आपको लगा कि यार मुझे जो मॉडिफिकेशन है मुझे इतनी ही चाहिए। मुझे बेसिकली जितनी नेसेसरी मॉडिफिकेशन है मैंने वो करवाई हुई है इसके। यार आपने, मैंने सुना है कि आपने ये भी कराए हैं यार, इसके जो प्रोजेक्टर्स हैं ना इसके LED वगैरह करवाए हैं आप, इसका थ्रो देखते हैं भाई, इसका एक बार ऑन करके दिखाई हम भाई, ऐसा कुछ में थ्रो देखने को मिलता है इसमें LED के हैं, पूरी प्रोजेक्टर भी भाई इसमें उसके लगे हैं, HID इसमें लगा हुआ है निचली साइड में और ऊपर लगी हुई LED वगैरह। अगर इसकी हाई बीम करते हैं तो भाई वो भी दिखा देते हैं आपको, इस तरीके से कुछ में हाई बीम देखने को मिलती है हमें। तो भाई आप बात करते हैं भाई से, पूछ लेते हैं भाई पॉजिटिव क्या रहे हैं अब तक इसकी गाड़ी के। गाड़ी के जो पॉजिटिव हैं मैं जो कहूँगा, सबसे पहले गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, बॉडी में बॉडी रोल ना के बराबर ही है, जैसे BMW आप चलाते हो सेडान वगैरह में, जैसे सेडान में रहती है ना बॉडी रोल आता नहीं ज़्यादा, वैसे ही इसका बॉडी रोल है, एकदम स्मूथ दबके रोड के ऊपर चलती है। जब से मैंने इसके लॉयड वगैरह डलवाए हैं गाड़ी और हैवी हो गई है, उसके कारण गाड़ी पूरी यार गाड़ी क्रॉस ओवर तो प्रॉपर है देख, मतलब ऐसा भी लगता है कि यार पूरी एकदम खड़ी है गाड़ी, एकदम हाइट वगैरह भी इसकी मतलब जैसे भी नहीं है ब्रेज जैसी, एकदम खड़ी है गाड़ी, मतलब पूरी लंबाई भी बनाएगी ना अच्छी खासी और ऊंची भी है काफ़ी ज़्यादा ये, मतलब जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है ब्रेजा वगैरह का वो 200 mm के करीब रहता है, पर बट इसका 180 mm के करीब है, बट यार कुछ नहीं है यार ज़्यादा फर्क नहीं है, मिनिमल सा फर्क रहता है। और यार जो आपको ग्रिल्स वगैरह दिख रही होगी यार, ये भी यार काफ़ी इंस्पायर है BMW से, यार ऐसी ग्रिल तो देखने को मिलती नहीं है वैसे ना, क्योंकि जो ये वाली गाड़ी आप देख रहे हो यार 5 स्टार, इसको 5 स्टार मिले हैं भाई क्रेस्टर टेस्ट, गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा सेल में नहीं गई, पर इस चीज़ अगर सेफ्टी की बात करें तो 5 स्टार है, एडल्ट्स के लिए 5 स्टार है एंड किड्स के लिए 4 स्टार है जैसे आपको पता ही। तो यार इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई थी मारुति ने, इसको बंद करके यार अब उतार तो थी उन्होंने ग्रैंड विटारा, पर वो भी कहते हैं 5 स्टार रेटिंग है, बट यार उसकी जो क्वालिटी देखो यार, उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है यार भाई, इन्हें पीछे भी यार कैमरा भी बैक साइड में लगवा रखा है और कैमरे की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे दी गई है। बस कैमरे का वो बताओ आप क्या सिस्टम है कैमरे का, मैं सबसे नेगेटिव पार्ट बताऊं जो कंपनी ने फिट करके दिया मुझे, वो कैमरा मतलब एजेंसी वालों ने करके दिया था, उस 5000 के अराउंड का उसकी कॉस्ट थी और इतनी बेकार क्वालिटी है, मैं क्या बताऊं अंधेरे में तो दिखता ही नहीं है, दिखता जो कंपनी दे रही है, कंपनी दे रही है, आपने कंपनी से लवाया, कंपनी से फिट करवाया यार, कंपनी वाले भी यार गेम खेल गए यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उनको, आपको ऐसा लगेगा 1200-1300 रुपए का नॉर्मल कैमरा है बस। हाँ यार मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ यार पाइनर के सिस्टम के साथ है, हमें लगा यार पाइनर का सिस्टम लगा हुआ है, तो यार देखो तो यार इसमें यार कैमरा ही बढ़िया लगा क्वालिटी वाला होगा, आप कह रहे हैं कि यार उन्होंने घटिया दिया ये चीज़, बहुत बेकार क्वालिटी का कैमरा दिया उन्होंने, मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा, जो अगर आपने कंपनी से कैमरा लगवाना हुआ तो आप चेक करके लगवाइए कि क्वालिटी इसकी कैसी है अंधेरे में। बाकी यार आप साइड से आपको गाड़ी दिखाएं यार, काफ़ी ज़्यादा क्रॉस ओवर वाला सेगमेंट ही है भाई प्रॉपर ये, वो ग्रैंड विटारा जितनी इसकी लंबाई है भाई प्रॉपर, अगर देखो इसको आगे से लेकर पीछे तक, तो यार अगर आपको यहाँ से भी ग्राउंड क्लियरेंस दिखाएं यार अच्छी खासी है यार, इसमें आप जो एलोवेरा देख रहे हो ना टायर साइज बढ़ने की वजह से यार इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी यार उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आ चुका है, जो कि पहले नहीं था क्योंकि इसमें आते थे 16 इंच का टायर, अब यार ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची से फील होती है अगर आपको मैं ऑलराउंड घूम के दिखाता हूँ तो। अगर टेल लैंप्स की बात कर लेते हैं, इसमें जो आते हैं आपको सारे की लाइट्स में हेलोजन देखने को मिलती हैं, और अगर आपको इसका बूट स्पेस दिखाते हैं तो इसमें आपको 375 लीटर का इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है, अगर थोड़ा बहुत आपको सामान वगैरह रखना है तो आप इसको ऊपर करके भी यहाँ सामान वगैरह कैरी कर सकते हो, और जो सपनी वगैरह है इसमें आपको 16 इंच का टायर देखने को मिलता है, जो कि इसमें क्योंकि भाई ने बाहर से काम करवाया था इसमें अलॉय नहीं आएगा, ये सिंपल टायर ही आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी साइड में भी आप कुछ इसमें सामान वगैरह रख सकते हो। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो यार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, अगर इसको ग्रैंड विटारा से कंपैरिजन करते हैं क्योंकि उसी ने इसको रिप्लेस किया है, तब भी यार अगर मैं आज की इसकी बिल्ड क्वालिटी देखता हूँ आपको कैसी लगती है इसकी बिल्ड क्वालिटी? इसकी बिल्ड क्वालिटी मैंने ना ब्रेजा के डोर वगैरह देखे थे, उसके इतने हैवी डोर्स नहीं है, उसके हैवी डोर्स हैं। हाँ मैं अगर आपका थर्ड साउंड भी आपको मारुति में जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं ऐसी, इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी नहीं देखी मैंने आज तक। अगर मैं उसकी थर्ड साउंड डोर की थर्ड साउंड भी दिखाता हूँ आपको, वो भी काफ़ी
पता लगता है यार कि क्वालिटी में दम है। और बताओ इसके अब नेगेटिव तो आपने बता दिए कि पॉजिटिव क्या रहे हैं इसके? मैं पॉजिटिव तो यही है कि इस गाड़ी के अंदर जो है बताया था मैंने आपको कि बॉडी रोल वगैरह नहीं है, गाड़ी चलाने में बड़ी स्मूथ है, जैसे ऐसा फील नहीं होता। और काफ़ी ज़्यादा जो इनका V15 का के सीरीज का इंजन है काफ़ी ज़्यादा वो भी है भाई, रिफाइन किया हुआ है, काफ़ी रिफाइन इंजन है जो कि स्मूथ चलती है गाड़ी है। हाँ। देखा जाए और जो कि इसको 103 bhp का और 138 nm का टोक निकाल के देता है भाई ये वाला इंजन। और आपको इंजन वगैरह भी आपको दिखाते हैं भाई एक बार खोल के। भाई इसका हमने आगे से बोनट ऊपर कर लिया है तो भाई देखो एक तो ऊपर से इतना साइलेंट इंजन, ठीक है, वो साइलेंट इंजन के बाद इन्होंने यार देखो वो भी लगा रखा है ना कुशनिंग वगैरह, मतलब कि जिससे आपकी साउंड वगैरह अंदर कैबिन के अंदर ना आ जाए, तब भी मारुति ने अच्छा काम किया हुआ है भाई इस गाड़ी में तो। बिल्कुल, मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि लाइक 1500 cc का इंजन है तो हम गाड़ी चलाते हैं, AC जब चलाते हैं तो गाड़ी दब जाती है नॉर्मली, हर गाड़ी जैसे 1200 cc हो तो गाड़ी दबती नहीं है, मुझे फील नहीं होता ना इसका एवरेज का ज़्यादा फर्क पड़ता है। जब आपको पावर ज़्यादा मिली दबाई कैसे यार, 138 nm का टॉर्क मिल रहा है आपको इस गाड़ी के अंदर और भगाने में मज़ा आता होगा आपको तो। भगाने में तो अच्छा है, बट इसमें सबसे खास बात मुझे लगी कि इसमें माइलेज में जाकर खास फर्क नहीं आता मुझे कि AC चलाओ ना चलाओ। तो यार मैं देख रहा था कि इंजन के ऊपर ना इसके पहले ना गाड़ियों में क्या था, जो पुरानी गाड़ी आती थी ना इनकी, मतलब 15-16 मॉडल से पहले पहले गाड़ी आती थी उसके ऊपर यार ये इंजन की कवरिंग होती थी यार, इन्होंने ना सॉरी उसका सिस्टम इसमें निकाल दिया इन्होंने, जो एयर फिल्टर वगैरह मतलब ये सिस्टम आता है ना, पहले ना कवर होता था इंजन इसके ऊपर लगा होता इंजन के ऊपर ताकि इसकी प्रोडक्शन रहे, तब ये जो आपको दिख रहे ना इंजेक्टर्स वगैरह ये आपको बाद में दिखाई देते थे जो कि अब इसको सीधा नॉर्मली दिख जाते हैं देखने को मिलते हैं। पर इसमें देखो स्पेस वगैरह आपको थोड़ी बहुत इसमें देखने को जरूर मिलेगी पर इतनी भी नहीं है भाई, गैप वगैरह काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक रखा हुआ है ताकि इसमें आपको देखो देखो इन्होंने हॉर्न भी लगाया था मार्केट से तो वो भी इसमें देख स्पेस मिल गया इनको लगाने का। और काफ़ी वगैरह भाई इसकी तो बात मुझे तगड़ी लग रही है जो आपने लगवाया आफ्टर मार्केट, एक बार आप इसकी साउंड सुनाओ यार, अभी आपको हॉर्न के बारे साउंड भी सुनाते हैं। प्रोजेक्टर जो है मैंने सेक्टर 28 से लगवाए थे और ये करीब करीब मुझे प्रोजेक्टर के हाथ विद लाइट जो है वो 10-11 हज़ार के आसपास पड़ी थी सिर्फ। और उनका थ्रो कैसा है रात को? थ्रो अच्छा है इसका थ्रो, मतलब काफ़ी जो नॉर्मल हेडलाइट्स आती है ना, मुझे एक बार मैं गया था इसकी जो हेडलाइट बारिश हो रही थी बड़ी तेज वो दिखाई नहीं दे रहे थे नॉर्मल, उसके बाद अब जब इसमें लगे हैं काफ़ी अच्छा दूर तक थ्रो, अगर आप गाड़ी हाईवे पर चलाते हो और तेज चलाते हो तो दूर तक दिखता है ताकि आप कंफर्टेबली थोड़ा सी स्पीड मेंटेन कर सको रात। भाई कितना खर्चा कर दिया आपने इसमें? लाइट पे मैंने करीब करीब इसमें 30,000 खर्चा कर दिया। आपके पास आज तो K10 भी थी ना जी, आपने उसको रिप्लेस करके ये वाली गाड़ी ली है? बिल्कुल। ये वाली गाड़ी लेने का आपका मकसद क्या रहा है, मतलब कि जैसे मतलब पहले भी आपने मारुति के ऑल्टो K10 जो थी वो थोड़ी छोटी गाड़ी थी चलाने में, बट आपकी फैमिली में 3-4 मेंबर्स आए हैं, मेंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं है, गाड़ी खुली भी नहीं थी ना कहीं पे, अगर हाईवे पे जाना हो आपने तो कंफर्टेबल नहीं है उसमें इतनी ज़्यादा यार। आप तो चलाते भी कम हो, मतलब आपकी वो चली वो वाली गाड़ी भी आपकी बहुत कम चली थी, मतलब ये गाड़ी तो आपके साथ ब्रदर वगैरह ने काफ़ी चला दी है, बट आप बता रहे थे कि ये गाड़ी भी हमारी बहुत रेयर ही चलती है गाड़ी। नहीं गाड़ी ठीक है, मतलब महीने की 300-400 किलोमीटर चल जाती है, 400 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा कम है ना, मतलब गाड़ी मतलब बहुत कम चल रही है। अगर आप कल को बेचो गाड़ी भाई, आप बेचना चाहोगे इसका? अगर कल को गाड़ी लेनी हो आप कौन सी लोगे? मैं अभी तो देखो देखी नहीं है, वैसे तो जो प्लानिंग है जो हमने डिस्कस किया था वैसे देखनी है, तो हैरियर के हिसाब से देख रहे थे। वैसे जो कि गाड़ी है हम अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसमें हम हैरियर वगैरह देख रहे थे इसके अंदर, अगर लेनी हो तो, क्योंकि इस गाड़ी के बंदा ऊपर ही जाता है नीचे नहीं जाता गाड़ी के अंदर। पर यार हैरियर में तो आपको डीजल लेना पड़ता उस टाइम भी, और उस टाइम भी आपने 1.5 साल पहले आप देख रहे थे, अगर 5 साल के बाद डीजल आती है तो देख लेंगे। अब गवर्नमेंट ने तो बैन ही कर दिया डीजल क्या करोगे लेके आप? देखेंगे पेट्रोल है कि पेट्रोल लेंगे, क्योंकि पेट्रोल मेरे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता पेट्रोल वगैरह तो, गाड़ी चलती बहुत कम है। क्योंकि यार जो ये वेरिएंट था ना यार इसमें ना आपको ना यार पहले तो डीजल में जो माइलेज वगैरह मिलती थी बंदे ना इसकी 25-26 माइलेज निकालते थे भाई इस गाड़ी की, तो यार इसकी ना अब वो चीज़ रही नहीं यार, अब यही आपको आप बता रहे हो कि अब मैं लोकल में चंडीगढ़ जाता हूं तो 12-14 के बीच में मिलती है माइलेज, ठीक है। विदेशी ऑल्टो भी इतनी देती थी 13-14 की एवरेज देती थी, तब भी यार फिर तो आपको सिटी में फर्क नहीं पड़ रहा, मेन फर्क पड़ता हाईवे पे। हाईवे पे कितनी दे रही है फिर गाड़ी? हाईवे पे ये 18-19 देती है, 18-19 उसमें मैंने निकाली 24-25 की एवरेज। चलो बाकी की बातें आपके अंदर बैठ के करते हैं। भाई क्या बात है, आप अंदर आ गए हो, बट यार आपका जो लेग स्पेस है वो तो बहुत बढ़िया है यार, और आपकी हाइट के साइड कितने है भाई आपकी? मेरी 5'9" हाइट है, 5'9" के हाफ से आपका भाई सिर भी यार प्रॉपर मतलब टकराने, अभी थोड़े बाल है ये लग रहे हैं, बाकी तो भाई बहुत अच्छा। मेरा भाई 6 फुट का है तो उसको भी आराम से कंफर्टेबली बैठ जाता है यार। और फ्रंट से आप गाड़ी देखो यार काफी देखने को मतलब सिंपल सा इंटीरियर लगता है भाई, काफी अच्छा लग रहा है देखने को। चलो यार इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।